अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय से लेकर रेखा तक, जब सिमी ग्रेवाल के शो में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने किए चौंका देने वाले खुलासे, मेरा नाम जोकर, कभी कभी, चलते चलते और कर्ज जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी सिमी ग्रेवाल ने फिल्मों से ज्यादा अपने पॉपुलर चैट शो रेंडेवू विद सिमी ग्रेवाल से देश भर में पहचान हासिल की। ये चैट शो ईयर 1997 में शुरू हुआ था, जहां सिमी ने कई बड़े सितारों के राजों से पर्दा उठाया था। जानते हैं सिमी के शो में हुए कुछ बड़े और शॉकिंग खुलासों के बारे में। रेखा ने कबूला अमिताभ के लिए अपना प्यार। सिमी ग्रेवाल के चैट शो के दौरान जब रेखा से उनके अमिताभ को लेकर प्यार के बारे में पूछा गया था, एक्ट्रेस ने बिना बात घुमाए सीधे कह दिया था कि वो अमिताभ से बेहद प्यार करती थी। रेखा ने कहा, अब दुनिया भर का प्यार ले लीजिए और उसमें कुछ और भी मिला दीजिए, ये सब मिलाकर जितना होता है मैं उनसे उतना प्यार करती हूँ। एक्ट्रेस ने खुलासा करते हुए कहा कि उनके बीच कभी कोई रिश्ता नहीं रहा था, ये सिर्फ अफवाह थी। एक्ट्रेस ने कहा, अमिताभ को मैं सिर्फ अपने दिल दिमाग में प्यार करती थी, हमारे बीच कभी कोई पर्सनल बात नहीं हुई। रेखा ने कहा, मेरी जिंदगी उस समय बदल गई जब मुझे ये एहसास हुआ कि वो हर इंसान से बेहद अलग है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमिताभ के शादीशुदा होने से उनके प्यार पर कोई असर पड़ा, तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें दिल में प्यार करती थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शादीशुदा है या नहीं, मैं उनका घर नहीं तोड़ना चाहती थी। रेखा ने बताया कि अमित जी और उनके रिश्ते की अफवाह से कभी उनके और जया के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं रहा। रेखा ने कहा, जया जी जब भी मिलती थी प्यार से मिलती थी, उन्हें कभी रिश्ते की अफवाह से कोई फर्क नहीं पड़ा था। मुझे हर को स्टार से प्यार हो जाता है, रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी ने सिमी ग्रेवाल से अपने रिश्तों पर कहा था कि वो बेहद रोमांटिक है और उन्हें फिल्मों की शूटिंग के दौरान अपने सभी को स्टार से प्यार हो जाता है। एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि कॉलेज टाइम में उन्हें एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन जब उनके घर वालों को इस बारे में पता चला तो उनकी कहानी अधूरी रह गई। इसके बाद से ही रानी मुखर्जी ने कभी किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाया था। शाहरुख खान के कारण ऐश्वर्या को किया गया फिल्मों से बाहर। ऐश्वर्या राय ने सिमी के शो में बताया कि उन्हें कई फिल्मों से बेवजह निकाल दिया गया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये सच है कि कोई हिट फिल्में देने के बावजूद आपको शाहरुख खान की कई फिल्मों से निकाला गया, इस पर एक्ट्रेस ने कहा था, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, हम साथ काम करने वाले थे लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मुझे उन फिल्मों से हटवा दिया गया, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। शाहरुख ने इस बात के लिए ऐश्वर्या से माफी मांगी थी। राहुल गांधी को डेट करना चाहती थी करीना कपूर। चैट शो के दौरान जब करीना कपूर से सिमी ने पूछा कि वो पूरी दुनिया में किसे डेट करना चाहेंगे, तो करीना ने कहा, क्या मुझे ये कहना चाहिए, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं राहुल गांधी को डेट करना चाहूंगी, मैं उन्हें जानना चाहती हूँ, मैं अखबार में उनकी तस्वीरें देखती हूँ और सोचती हूँ इनसे बात करना दिलचस्प होगा। रेखा से रिश्ते की अफवाहों पर अमिताभ ने दिया था रिएक्शन। सिमी ने ईयर 1998 में अमिताभ के साथ बातचीत करते हुए पूछा था कि क्या आपको अपनी और रेखा की अफवाहें परेशान करती हैं? इस पर बिग बी ने कहा, नहीं, लेकिन कुछ आरोप ऐसे थे जो बेहद बेहुदा थे। कुछ लोगों का कहना है कि उनके पास मेरे उस घर की तस्वीरें हैं जहां मैंने रेखा को रखा है। लोगों का दावा था कि रेखा मेरे साथ एक घर में रहती है। ये बातें मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है, मेरा घर है जहां मेरा परिवार और बूढ़े माँ बाप रहते हैं। ये बातें बहुत सेंसिटिव हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने मुझे उस महिला के साथ कुछ गलत करते हुए देखा है जिससे उन्हें ये कहने का इशारा मिलता है।